समान रूप कपि धरहि लंके उचलहि सुमिर नर हरि नाम लंकनि एक निश्चरि सो कह चलसि मोहनिंद। चोर है सब मेरे आहार है। जय श्री राम। मुठी का एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी ठन मानी। जय श्री राम। हे तार्थ, जब ब्रह्मा ने रावण वर दिया था तो उन्होंने चलते समय मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई कि जब तू किसी वानर की मार से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि राक्षसों का अंत आ गया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अपने नेत्रों से रघुनाथ जी के दूत का दर्शन कर पा रही हूँ। आप अपने हृदय में रघुनाथ जी का ध्यान करके लंका में प्रवेश कीजिए, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राम। राज मंदिर घर गली कूचे सरोवर ताल बन श्री देख डाला कोना कोना छान डाले सब भवन है ठिकाना कौन सा श्री राम जिसको की देखा या नहीं जानकी का पर कहीं अब तक पता पाया नहीं श्री राम राम श्री राम। लंका तो राक्षसों का स्थान है परंतु यहाँ कोई सज्जन पुरुष कैसे निवास कर सकता है। श्री राम हाँ, ये कोई सज्जन पुरुष ही प्रतीत होता है। मैं तो इसका परिचय अवश्य लूंगा क्योंकि सज्जन से मित्रता करने में कोई हानि नहीं होती अपितु लाभ ही होता है। भवन एक पुनी दीख सुहावा हरि मंदिर ते भिन्न बनावा। जय श्री राम। श्री राम श्री राम। जय श्री राम। जय हरि भक्त की जय। भाई आप कौन हो और आपका आगमन यहाँ किस प्रकार हुआ है? महाराज मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ जो माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में निवास कर रहे थे और उनकी पत्नी माता सीता को एक दुष्ट रावण हर कर ले गया है। हम उसी की खोज में यहां तक आए हैं। मैं बड़ा असमंजस में हूं, किस राक्षसों की नगरी में आप किस प्रकार रहते हैं? कुछ ना पूछो भाई, मैं रावण का भाई विभीषण हूं। मेरी आत्मा यहां उसी प्रकार निवास करती है जैसे दांतों के बीच में जिभ्या रहती है। तामसी शरीर होने के कारण जब तब तो कुछ नहीं हो पाता, बस मन में श्री राम के चरणों से असीम प्रेम है। परंतु मुझे बस यही एक चिंता सताई जाती है, प्रभु राम मुझ अधम पर कृपा कब करेंगे, मुझे अपनी शरण में कब लेंगे? मेघनाथ जी, प्रभु तो सदैव सबके संकट हरते हैं। आप मुझे कृपा करके इतना बताइए कि माता सीता कहाँ मिलेंगी, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। हे हनुमान जी, माता सीता लंका की अशोक वाटिका में बड़ी ही दीन अवस्था में निवास कर रही हैं। अच्छा तो मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ, प्रभु राम आपके हर कार्य में आपको सफलता प्रदान करें। जय श्री राम। जुगति विभीषण सकल सुनाई चले उपवन सुत विदा कराई। चले उपवन सुत विदा कराई।
सो ही रूप गयो पुनितेवा करी सो ही रूप गयो पुनितेवा पन अशोक सीता रह जेवा पन अशोक सीता रह जेवा जुगति विभीषण जुगति विभीषण जुगति विभीषण पद नैन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दी हे प्राणनाथ अब तो मेरी सुध लो अब तो मुझे इस दुष्ट के बंधनों से छुड़ाओ हो गई है कल्प से बढ़ बढ़ के एक एक पल मुझे अब घड़ी भर भी नहीं पड़ती है स्वामी कल मुझे मरना चाहती हूँ परंतु मृत्यु भी नहीं आती ऐसे समय में ये पापी भी मेरा हाथ नहीं बटाती क्या कहूँ किससे कहूँ सुनता है मेरी बात कौन मृत्यु भी जब भागती है फिर निभावे साथ कौन ए हाँ ते अवसर रावण ते आवा लेगी तुम जाकर विश्राम करो I'm not afraid to die.
कॉपी करी हृदय विचार दीन मोद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दी हर्ष उठे कर गयो जय श्री राम। ये क्या ये तो मुद्रिका है, ये यहाँ कैसे आई? श्री रघुनाथ तो सदैव अजय है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, और माया से भी ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। जय श्री राम। हे भाई, जिसने कानों के लिए ऐसी मधुर वाणी कही वो प्रकट क्यों नहीं होता? माता जी प्रणाम। कल्याण हो, यश प्राप्त करो। कहो भाई, तुम कौन हो? रामदूत मैं मात जानकी, सच्च शपथ करुणा निधान की। माता जी आप किसी प्रकार का भय ना करें, मैं रघुवेंद्र जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, यह मुद्रिका उन्होंने आपको चिन्ह स्वरूप भेजी है। परंतु पुत्र, ये तो बताओ कि मनुष्य और वानरों के बीच मित्रता किस प्रकार हुई? माताजी, आपको खोजते खोजते जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे तो मैंने उनकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से करवा दी। उन्हीं की आज्ञा लेकर हम आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे हैं। हे माता, कृपा निधान, अपने भाई लक्ष्मण के साथ वैसे तो कुशल पूर्वक हैं, परंतु सदैव आपके दुख में दुखी रहते हैं। और यह भी सच है कि प्रभु श्री राम के मन में आपके लिए अतः प्रेम है। आप भी हृदय में धैर्य धारण करें और श्री राम के अग्नि समान बाणों से इन राक्षसों को मरा हुआ ही समझें। वे शीघ्र ही अपार वानर सेना के साथ आएंगे और इन दुष्टों को मारकर आपको यहां से ले जाएंगे। परंतु पुत्र, सभी वानर तुम्हारे समान नन्हे नन्हे होंगे, परंतु ये राक्षस तो बड़े बड़े बलवान योद्धा हैं। जय श्री राम। कनक भूधरा धार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। जय श्री राम। सुनहु मात मोहे अतिशय भूखार। सुनहु मात मोहे अतिशय भूखार। लागी देख सुन दर पल भूखार। सुंदर सुंदर और मधुर मधुर फलों से लदे वृक्ष, भूख तो मुझे बहुत लगी है। क्या मैं इन्हें खाऊं या ना खाऊं? पहले माता की आज्ञा ले लेता हूं। हे माता, अब है विनय एक, यदि भी हृदय कुछ मेरा ही चकता है, फिर भी मुंह खोल कहे मां से बालक का चित्त मचलता है। आया हूं सिंधु लांघ कर मैं, इस कारण भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लदे देख इच्छा ही बढ़ती जाती है। हे माता, इन मधुर मधुर फलों को देखकर मुझे बहुत भूख लगाई है, अगर आपकी आज्ञा हो। परंतु पुत्र, मुझे चिंता इस बात की है कि इस उपवन की रक्षा बड़े बड़े राक्षस करते हैं। हे माता, अगर आपकी आज्ञा है तो
तो मुझे इन राक्षसों का कोई भय नहीं। आपके आशीर्वाद से यह मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। जय श्री राम। हे धन धन पावन सुत धन अंजनी सुत धन धन पावन सुत धन अंजनी सुत धन धन मेरे हनुमान राम जी के बिगड़े सवारे तुले राम जी के बिगड़े सवारे तुले। हे धन धन पावन सुत धन अंजनी सुत धन धन पावन सुत धन अंजनी चलकर आया है और सारी वाटिका को वीरान बनाया है। कौन है जो काल के चक्कर में फंस कर आ गया? मार सकता पर नहीं, पंछी जहां पर आ गया। अरे बालक, तू कौन है जिसे अपने पैरों का भी वो नहीं? जा चला जा, अन्यथा ये समझ ले कि तेरा काल ही तुझे यहां खींच लाया है। धूर्त वानर, तू ये भी नहीं जानता मैं कौन हूं? मैं लंकाधिपति महाराज रावण का पुत्र वीरक्ष कुमार हूं। देवताओं का दुश्मन और 10,000 दानव सेना का सेनापति। तभी तो आप ऐसे भार हो रहा है। अरे नादान, क्यों उस नन्ही सी जान को मृतक खो रहा है? युद्ध करने आ गया थे रंग में जाने के दिन, गुदमुहा बच्चे तेरे है खेलने खाने के दिन। गुदमुहा कहता है क्या? गुदमुहा कहता है क्या? विष का बुझाया तीर हूँ, नाग का बच्चा हूँ, तेरा मौत की तस्वीर हूँ। मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसे को मसल कर धूल कर देते हैं। धूल पानार मेरे खड़कवार को संभाल। Hey,
जयकारा जरा जोर से लगाएं। बहुत ही सुंदर लीला आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। बोलिए पावन सुत हनुमान की जय। हे धन धन पावन सुत धन अंजनी सुत धन धन पावन सुत धन अंजनी सुत धन धन मेरे हनुमान राम जी के बिगड़े सवारे बंदी करता हूं तुझे अब अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूं बैरी को सदा हराया है जीता है मैंने इंद्रलोक पद इंद्र जीत का पाया है। पर तू भयभीत ना हो मन में यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा केवल श्रीमान पिताजी के सम्मुख तुझको ले जाऊंगा। अगर तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो पुरखों को बुलवा ले तू क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है कुछ भाले और चला ले तू। तेरा मेरा रण ही क्या है मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है तो मैं काम जीत बल वाला हूँ। तू दीपक लेकर चलता है मैं रामा श्रेय उजियाला हूँ। संभाल मुझको तो तुझे बांध रहा है अतएव बांध ले जाऊंगा। दो चार नहीं सैस्त्रो ही कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर तू निश्चय ही है महावीर तेरा वीरत्व मानता हूं। ले फेंक रहा हूं ब्रह्म फांस इसमें अब तुझे बांधता हूं। ये ब्रह्म अस्त्र ये ब्रह्म फांस ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की मैं इसे काट भी सकता हूं परंतु इसमें भक्ति है ब्रह्मा की। जय श्री राम जय ब्रह्मा। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि का नमीन विचार जो ना ब्रह्म शर्मा पिताजी जय शंकर की जय शंकर की। पिताजी आपके आशीर्वाद से मैं उस उत्पाती वानर को पकड़ के ले आया हूं। ओ वानर तू कौन है और तूने किसके बल पर हमारी वाटिका को उजाड़ा है? क्या मन में तनिक भी भय नहीं विचारा है? बता सच लांकर सागर यहां कैसे चलाया? उजाड़ा बाग कुल मेरा न मन में भय निकलाया। भय तो कामी को होता है या फिर चोर को परंतु जो सतमार्ग पर चलते हैं उन्हें किसी का भय नहीं होता। और तू कौन कहां से आया है कुछ अपना नाम बता बनवे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा क्या कारण था बतला वनरे। लंका के स्वामी का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है मेरे प्रताप से डरा नहीं? अरे मारा है अक्षय कुमार मेरा तो क्यों ना तेरा संहार करूं। तू ही न्यायी बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं। श्री दशमुख सुनिए धैर्य से मैं सब बतलाए देता हूँ लेकिन जो पूछा सर्वप्रथम उसका मैं उत्तर देता हूँ। वह दशरथ अजर बिहारी है कहलाते रघुकुल भूषण है
रीची थी जिन पे सूप नखा है रे जिनसे खरदूषण है। अब और ध्यान दे ले तो जिनकी सीता को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। तो सुनिए अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने को। अरे सुधी नाली तुमने बहुने की, निश्चर कुल में तो अभाव है ये, फल खाकर वृक्ष तोड़ता है वानर का तो स्वभाव है ये। भगवान जीम लेते हैं जब तब भक्त प्रसादी पाते हैं, इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी प्रभु श्री राम को अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं, तुम उस प्रसाद के योग्य न थे इस कारण तोड़ गिराए हैं। अक्षय वत का उत्तर है ये, सब अपना तन प्यारा है, जब उसने मुझको मारा था तो मैंने उसे संघारा है। महाराज, मैं महाराजा सुग्रीव का मंत्री और प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। तो बता उनका क्या संदेशा लाया है। हे लंकेश, आप वीर और बलवान हैं, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान हैं, परंतु नीति कुशल होकर भी आपने नीति पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। सीता मां को लंका में रख आप भारी भूल कर रहे हैं, जीवन में अपयश अर्जन कर बिना ही मृत्यु मर रहे हैं, सब पीछे से पछताते हैं। है जो मदांत प्रभुता वाले, सन निकट आ रहा प्रलय काल, क्यों सोते हैं लंका वाले। क्या कहा, पछताएंगे? हाँ हाँ पछताएंगे, ऐसा नीच कार्य करने से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश रे ज्ञान के शत्रु, मेरा सर्वनाश गुण ज्ञान बल में एक हूं, बुद्धि प्रवीण हूं, किस तरह होगा नाश जब मैं नाशहीन हूं। निसंदेह बुद्धि ज्ञान और बल अभी तक आपके पास विद्यमान है, परंतु याद रखिए आपको पतन की ओर ले जाने वाला आपका यही अभिमान है। इसी अभिमान ने किस किस का मान नहीं मिटाया है, किस किस को काल का ग्रास नहीं बनाया है। जंबासुर जैसा वीर कहा, वाणासुर सा बलवान कहा, हिरणाकुश का अन्याय कहा, त्रिशंकु का अभिमान कहा, राजा बलि का दान कहा, भस्मासुर का अज्ञान कहा, राहु केतु की चाल कहा, दानव का अमृत पान कहा। जब पूर्ण कलाएं होती है तो चांद भी गलता जाता है, जो सूरज दिन में चढ़ता है वह शाम को ढलता जाता है। ओह आश्चर्य, एक नीच वानर इतना निडर हो जाए, क्या लंका के स्वामी को नीति का उपदेश सिखाए। लो देखो आ गया वानर मुझे नीति बताने को, चला है तुच्छ दीपक चांद को रास्ता दिखाने को। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, अज्ञानी को ज्ञान बताना ही चाहिए और मार्ग भूले को मार्ग पर लाना ही चाहिए। है उचित यही शत्रुता छोड़ लौटाए सीता माता को, श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाए राज्य प्रतिष्ठा। नहीं तो जानकी जी को काल रात्रि के समान समझिए और अपनी शक्ति और वैभव को सिर्फ दो ही दिन का मेहमान समझिए। अभिमान रहा जग में किसका, जो चढ़ता है सो गिरता है, वह बादल भी फट जाता है जो गरज गरज कर घिरता है। वानर श्री राम, मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगता है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पानी भरता है, आती है बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग बातें सुनकर, उन अधम तपस्वी बच्चों को किस तरह बखाना चुन चुन कर। ना समझे तू किस धुन में है, स्वामी को अपने समझा ले,
अरे वानर वाले तपसी से डर जाए क्या लंका वाले। अरे धर्मी, तूने जो अदम कहा उनको, कब प्रभु की महिमा घटती है, कितनी भी फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसी ने तुझे भरमाया है, कहना सुनना तो व्यर्थ सभी, तू तो सच मुझ पर आया है। मेरा 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 जो करता है वो कुछ भी काम ना आएगा, तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। अगर रामचंद्र का दास बना, श्री रामचंद्र का दास बना, तो देव विदुटी निरखेगी, अन्यथा मरेगा जब मदान, तो मक्खियां लाश पर भिनकेगी। मूर्ख, संभव को असंभव, असंभव को संभव बनाना चाहता है, आकाश और पाताल का पल्ला मिलाना चाहता है। रब मेरे बलि धनुष कहा, वानर का दल कहा, ठहरे मेरे सामने मृत्यु में बल कहा। रे बकरी और सिंह का भी भला कोई मेल है, रावण का सामना कोई बच्चों का खेल है। ठीक है महाराज, ठीक है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, हुआ अज्ञान के वश, विष को अमृत मानता है तू, समुद्र बूंद को पत्थर को कंकर जानता है तू, मणि को वज्र, पारस को शिलागर दानता है तू, समझकर लाल पत्थर को गिरे में बांधता है तू। अच्छा बुरा भी जीव का, अच्छा बुरा भी जीव का, सब कर्माधीन होता है, किसी का नाश हो तो पहले बुद्धिहीन होता है। और राज्य सभा के सचिवरो, वानर पूरा उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है, निश्चय ही बल पर फूला है, उन दोनों तपसी बच्चों के सारिस का भी काट डालो सामने मेरी आंखों के। ठहरिए महाराज, महाराज ये एक दूत है और दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इसलिए आप इसे मृत्यु दंड ना देकर कोई और दंड दीजिए। भ्राता विभीषण, हम तुम्हारे कहने से इसे छोड़ देते हैं, परंतु जिस प्रकार इसने हमसे बिना पूछे अपनी पूछ से हमारी वाटिका को उजाड़ा है, उसी प्रकार इसे निपुंछा कर दिया जाए। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधुआओं पूछ में बानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूछ में बानर की, जब जली पूछ से जाएगा स्वामी को ये भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहां ले आएगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। धन अंजनी सुत, धन धन पवन सुत, धन अंजनी सुत।